एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं दोहराना नहीं चाहूँगी, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि हॉरर फिल्में देखती नहीं हूँ मैं लाइफ में. कभी नहीं सोचा था कि एक हॉरर फिल्म का, पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस करूँगी. तो आई एम वेरी ग्लैड दैट डर एट द मॉल हैपन टू मी. ऑनेस्टली बताओ तो दो किस्म की हॉरर फिल्म होती है. आप या तो आप एक हॉरर फिल्म बनाओ जो अननोन फेयर पे ही प्ले करती रहती है, तो आपको बस एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिससे आप डरते हो, या एक फिल्म होती है जहाँ विजुअल इफेक्ट्स ऐसे हों कि आपको गोस्ट दिख भी रहा है बट वो इतना डरावना लग रहा है कि आप उसको देख के डर रहे हो. तो इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन इट. ऑल्सो द फैक्ट कि उस गोस्ट को आप किस तरह से कहाँ कहाँ ला के डरा रहे हो. तो अब पूरी फिल्म जो मैंने देखी है वो विजुअल इफेक्ट्स के बिना देखी है, तो आई एम एंड मुझे बहुत पसंद है बिकॉज जस्ट द फील और शूट ऑफ द फिल्म इतनी ईरी है कि आपको लगता है कि मॉल में रात को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बट विजुअल इफेक्ट्स के साथ वो और ज़्यादा ऊपर होगी. तो आई एम गेसिंग इट्स इन इट्स ट्रू सेंस बी अ हॉरर फिल्म. Because it breaks the cliches. When you think of a horror movie, you think haunted house. You think of a house, a farmhouse, or you think of a haveli. So this was an interesting genre breaker. I hope. I mean, that's the attention. You come watch this movie, you'll be scared to go back to your car at night. You know, you think twice. Other way around, really. I was depending on Jimmy. Right? Jimmy is a really seasoned actor. He comes with a lot of baggage of knowledge and understanding. So it was a very collaborative effort between me and him, you know. So, I mean, I couldn't have seen the movie without him because he really keeps the movie together. He binds it, which is really important. Exactly, that's the fun of it. No, I mean, it's a perfect date movie. Think about it. You know, you bring your girlfriend for a perfect date movie. What better for a youngster or a teenager to take her girlfriend, take his girlfriend for a horror film, you know? मैं यू नो कन्वीनियंटली फट्टू हूँ. यू नो मुझे हॉरर फिल्म में देखने में बहुत मज़ा आता है, फिर रात को लाइट चला के सोता हूँ. तो ये फिल्म तो मैं ज़रूर देखूंगा बिकॉज मुझे हॉरर फिल्म पसंद है. वो अलग बात है, दो तीन दिन लाइट चला के सोऊंगा. और डर एट द मॉल कुछ अलग लग रहा है. मॉल में डर कैसे लगता है वो मैं देखने यू नो वो देखना चाहूँगा मैं. हाँ मतलब और शॉपिंग तो सबको पसंद है, तो मॉल में कैसे डराते हैं लोग वो मैं देखना चाहूँगा. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट और इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. नुसरत मेरी पहली फिल्म जो थी कल किसने देखा, उसमें मैंने नुसरत के साथ काम किया था. सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज हियर एंड शी इज डूइंग ग्रेट. एंड माय वेल विशेस टू द टीम एंड MSM पिक्चर्स. हॉरर फिल्म में एलिमेंट तो सबसे ज़्यादा डर का ही होता है. आई थिंक जो लोग हॉरर फिल्मों के फ़ैन होते हैं वो इन्जॉय करते हैं कि अगर उसमें स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो हों और डर लगे, और जो मोमेंट्स का जो बिल्डअप होता है किसी भी सीक्वेंस का उसमें डर लगे उन्हें. उसके अलावा कहानी भी, लोग अच्छी कहानी एक्सपेक्ट करते हैं. और इस फिल्म में आई थिंक यही सबसे ख़ास चीज़ है कि इन्होंने एक नए तरीके से हॉरर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, थोड़ा लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश की है. क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि हॉरर फिल्मों में वो बहुत ओवर एक्टिंग वाले एक्सप्रेशन और आंखें फाड़ फाड़ के हाँ वो करना है एंड ऑल दैट. तो मैंने बोला मैं नहीं करूँ. फिर उन्होंने समझाया मुझे कि आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लो और फिर आप देखो, फिर आप मुझे बताओ कि अगर इसमें इस टाइप की एक्टिंग आपको करनी होगी या कुछ. मेरी शॉट टेकिंग वैसी नहीं है, फिल्म की मेरी ट्रीटमेंट वैसी नहीं है, और वैसी एक्टिंग मैं आपसे नहीं करवाऊँगी. तो फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट. और फाइनली हम उन्होंने ये फिल्म की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रोड्यूसर्स, एक डायरेक्टर, ये लोग हैं कुछ लोग जो एक लेवल ऊपर हॉरर को इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग लेके जाना चाहते हैं.